सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 16 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2019 के FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ईवा डी गोदेगो। तो नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम की कैप्टन है ये, और अभी इन्हीं को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने 2019 FIH वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। अच्छा, इस प्रश्न से आप लोगों को जरूर कुछ याद आया होगा, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है कि 2019 का मेंस FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। तो ये जीता था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह ने, और इस तरह से ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बने हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूँ, वो भी आप ध्यान रखो। जैसे कि लाल रिमसियामी की हम बात करेंगे तो 2019 वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया था लाल रिमसियामी को। जबकि अगर बात करेंगे 2019 का मेल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको चुना गया था, तो विवेक सागर प्रसाद को। और वहीं अगर हम महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल की बात करेंगे तो इनका नाम भी न्यूज में था, क्योंकि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी इन्होंने जीता था, और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। और रानी रामपाल का नाम एक बार और न्यूज में था जब इन्होंने शूटर सौरभ चौधरी के साथ मिलकर फिक्की इंडिया का 2019 का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर लाउसेन स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट इसके कौन है, नरेंद्र बत्रा है, और इसके CEO है थियरी वेल। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में किस देश ने भारत को एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपर सिस्टम। तो भारत अपने डिफेंस सिस्टम के आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्निफिकेशन के लिए अमेरिका से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम खरीदना चाहता है। इससे भारत को हवाई हमलों का सामना करने में आसानी होगी, और इसी के लिए मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। अच्छा, अमेरिका से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अभी इसी महीने 24 और 25 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आएंगे, और इस तरह से ये 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे भारत आने वाले। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप तो आएंगे जब आएंगे, अभी मैं आपको बताऊं पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। अभी मेरे ख्याल से 13 फरवरी को भारत की यात्रा पर आए थे, 4 दिनों से यहीं पर है वो। तो उनका नाम आपको याद रखना है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। क्या है, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, और ये उनकी पहली भारत यात्रा है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अमेरिका से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहीं बता रहा हूँ, आप नोट करना। अभी अमेरिका ने भारत को व्यापार लाभ के लिए निर्यात करने वाले देशों की सूची से भी हटा दिया है, और आपको याद होगा इसी साल के जनवरी में अमेरिका ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट से बाहर किया था। तो इस एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो ये सारे आपको याद रखने। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में जारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बॉक्सिंग टास्क फोर्स की रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रहे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है, अमित पंगाल। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बॉक्सिंग टास्क फोर्स ने अगले महीने जो आपके ओलंपिक क्वालिफायर होने वाले हैं उससे पहले एक रैंकिंग जारी की है, और उस रैंकिंग में टॉप पे रहे हैं अमित पंगाल। मैं आपको बता दूं, इनसे पहले अभी तक केवल वीरेंद्र सिंह ही थे जिन्होंने इस रैंकिंग को टॉप किया था, यानी कि ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। वीरेंद्र सिंह 2019 रैंक पे टॉप पे आए थे। वहीं अगर महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में बात करेंगे तो एमसी मैरीकॉम 5वें स्थान पे रही है। अच्छा, अमित पंगाल की बात करें तो याद रखना 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और पिछले साल जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर लाउसेन स्विट्जरलैंड में है, और इसके हेड कौन है, थॉमस बक है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से कुछ याद आया होगा, अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2019 के कोच लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था किसको, पुलेला गोपीचंद को, भारतीय बैडमिंटन कोच है ये, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय कोच बने थे, तो उनका नाम भी याद रखना है। बढ़ते आगे, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर करा करें, और अब से हम डेली टारगेट भी रखा करेंगे ताकि मुझे पता तो चले कि जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, लगभग पूरे दिन में 20,000 लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो उसमें से कितने लोग हैं जो इस वीडियो को पसंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम टारगेट रखते हैं 9,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वाकई तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आप में से ज्यादा लोगों को अगर ये पसंद आएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और मेहनत करूंगा इसको और बेहतर बनाने में। तो इस टारगेट को अचीव करने में मेरी हेल्प करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इसे शेयर करेंगे, हम बढ़ते आगे।
फिर हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? फाइनेंशियल सेक्रेटरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवाशीष पांडे को। तो देवाशीष पांडे बनेंगे भारत के नए फाइनेंस सेक्रेटरी, और ये किसका स्थान लेंगे? तो राजीव कुमार का ये स्थान लेंगे। वहीं अजय बिसारिया की बात करेंगे तो आपको याद होगा कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे ये। विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने थे। और तरनजीत सिंह संधू की बात करेंगे तो अमेरिका में भारतीय राजदूत बने ये। अच्छा, वित्त मंत्री वर्तमान में हमारी कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। याद रखना इनसे एक पॉइंट कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री है ये, मतलब फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है ये। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में गो एयर के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विनय दुबे को। तो अभी हाल ही में विनय दुबे ये गो एयर एयरलाइन के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ बन गए हैं। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? शिल्पा भाटिया। आपको याद होगा स्पाइस जेट की नई सीसीओ बनी थी, सीसीओ मतलब चीफ कमर्शियल ऑफिसर बनी थी। राजीव बंसल की बात करें, कल ही पढ़ा था, एयर इंडिया के सीएमडी बने ये। और अतुल कुमार गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। गो एयर इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 15 फरवरी को। तो हर साल 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्ड हुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है बच्चों में होने वाले कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। अच्छा, कैंसर से और मैं आपको रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज बताता हूँ। जैसे कि इसी महीने एक हमने मनाया वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को, और एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी होता है जो हम कब मनाते हैं, 7 नवंबर को मनाते हैं। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया, एक बार मैं आपको रिकॉल कराता हूँ सारे फरवरी के इंपॉर्टेंट डे। जैसे कि 2 फरवरी को हमने मनाया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, थीम क्या थी, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे हो ही गया, इसकी थीम याद रख लो, आई एम एंड आई विल, और ये थीम 2019, 2020, 2021 के लिए सेम है। फिर 10 फरवरी को नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया, और 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस पल्सेस डे भी मनाया। 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस मनाया, और 11 फरवरी को ही विश्व यूनानी दिवस भी मनाया। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी कि उत्पादकता का दिवस, और 12 फरवरी से 18 फरवरी तक याद रखो उत्पादकता सप्ताह हमने मनाया। फिर 13 फरवरी आया, इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड रेडियो डे, जिसकी थीम क्या रही, थीम याद रखो, रेडियो एंड डाइवर्सिटी। अच्छा, याद रखना 13 फरवरी को हम एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे। एक्चुअली में 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन होता है, और उसी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू, इनके बारे में बताऊं तो ये न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थी बल्कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी ये, और उन्हें उनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको ऐसे याद रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। तो भारत सरकार पहली बार जम्मू कश्मीर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेगी, इसी साल ये अप्रैल में होगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर आपको पता है भाई यूनियन टेरिटरी बन गया, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो कौन बने, गिरीश चंद मुर्मू बने, और हमेशा इनके साथ एक मिलता जुलता नाम मैं आपको बताता हूँ, गिरीश चंद चतुर्वेदी का, अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे ये। अच्छा, एक और प्रश्न बनेगा यहाँ से करंट अफेयर्स का कि गिरीश चंद मुर्मू के अभी सलाहकार एडवाइजर कौन बने थे? आरआर भटनागर बने थे, और ये जो आरआर भटनागर है ना, अभी तक सीआरपीएफ के प्रमुख थे, अभी 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए। अच्छा, एक और प्रश्न बन गया कि वर्तमान में सीआरपीएफ की प्रमुख कौन है फिर? तो आंसर होगा एपी माहेश्वरी। इसके अलावा आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जम्मू कश्मीर ने देश में पहला स्थान हासिल किया था, मतलब सबसे लंबी सड़कें बनी थी यहाँ पे, 11,400 किलोमीटर की सड़कें बनी थी यहाँ पे, सबसे ज्यादा लंबी। और जम्मू कश्मीर में ही 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग भी बनाई जाएगी, और जम्मू कश्मीर में एक सुरंग है जिसका नाम क्या है, सबसे लंबी सुरंग है वो, चेनानी नाशेरी सुरंग, और ये अभी न्यूज में थी क्योंकि इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अच्छा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम एक और बार न्यूज में आया था जब कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर इनके नाम पे रखा गया था। और बंदरगाह की बात हुई है, पोर्ट की बात हुई, तो याद रखना महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह बन रहा है जिसका नाम है वाधवान बंदरगाह। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किन दो शहरों के बीच में भारत की पहली
इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंबई और पुणे के बीच में। तो अभी भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस मुंबई और पुणे के बीच में शुरू हुई है। इलेक्ट्रिक बस है ये, आप इसे एक बार चार्ज करोगे ना तो 300 किलोमीटर तक ये चलेगी। चलो आपसे कुछ प्रश्न मैं पूछता हूँ, एक छोटा सा टेस्ट ले लिया जाए। आप मुझे बताओ भारत की जो दूसरी प्राइवेट ट्रेन थी कौन सी, तेजस एक्सप्रेस, वो मुंबई और किसके बीच में शुरू हुई थी? ये भी 17 जनवरी को शुरू हुई थी, तो याद रखना अहमदाबाद और मुंबई के बीच में शुरू हुई है। पहली वाली जो प्राइवेट ट्रेन है वो तो आप जानते ही, दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलती है। अच्छा, अभी तीसरी भी शुरू होने वाली है, कहाँ से कहाँ, वाराणसी और इंदौर के बीच में, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में किस राज्य में अंगन फाउ हुनबा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। तो मणिपुर में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने। और ये जो फेस्टिवल है ना अंगन फाउ हुनबा, ये धान की नई फसल उगाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बात मणिपुर की है तो ये रहा मैप में मणिपुर, कैपिटल क्या है, इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गए और गवर्नर है नजमा ए हेप्टुल्ला है। अच्छा, दो और मैं फेस्टिवल आपको बताता हूँ जो कि मणिपुर से हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शिरुई लिली महोत्सव, ये भी मणिपुर का है, शंघाई महोत्सव, ये भी मणिपुर का है, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, मणिपुर में एक झील भी है, लोकटक झील, बहुत फेमस झील है, और इसी पे है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। उस नेशनल पार्क का नाम बता सकते हो आप? तो याद रखना काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और इस लोकटक झील को हम फ्लोटिंग लेक के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप याद रखना। और आपको याद होगा अभी 2019 में मणिपुर के फेजिंग गांव को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग, और मणिपुर में ही स्कूल फगडाबा योजना भी शुरू की गई थी बेहतर शिक्षा के लिए। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में NSIL के प्रमुख कौन बने हैं? तो सही उत्तर होगा जी नारायणन। NSIL मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और अभी इन्हीं को इसरो की वाणिज्यिक यूनिट यानी कि एक नई कमर्शियल यूनिट है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका अध्यक्ष यानी कि CMD बनाया गया है। ये जी नारायणन ये केरल के निवासी है और अब NSIL के अध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, अजय पटेल की बात करेंगे, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये अध्यक्ष बने थे, कल ही पढ़ा था। प्रमोद अग्रवाल आप जानते ही, कोल इंडिया के अध्यक्ष बने, और गोपाल बागले श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त बने थे। NSIL के बारे में आपको बता दूं, अभी पिछले साल मार्च में ही इसकी स्थापना की गई थी, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई, और इसके प्रमुख बन गए हैं कौन, जी नारायणन। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। बढ़ते आगे, फिर हाल ही में तेरी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र कुमार पचौरी। अब इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है, साथ में पद्म विभूषण तक इनको मिल चुका है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट होगा, राजेंद्र कुमार पचौरी। तेरी, तेरी मतलब द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, अजय माथुर है। वहीं देखो ये नाम भी मैंने इस तरह से सेलेक्ट किए हैं कि यहाँ से भी आपको कुछ जानकारी मिल सके, जैसे कि वेंडेल रॉड्रिक्स, ये एक फेमस भारतीय फैशन डिजाइनर थे और अभी इनका भी निधन हो गया है, इन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका था। नंदू आर कुलकर्णी की बात करेंगे तो ये एक दिग्गज पत्रकार थे और इनका भी अभी निधन हो गया। वहीं गिरिराज किशोर की बात करेंगे तो ये प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार थे और इनका भी अभी निधन हो गया है, तो ये नाम याद रखना। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया का दूसरा सबसे मूल्यवान मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय एयरटेल। तो अभी हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की सबसे मूल्यवान मोबाइल ऑपरेटर की लिस्ट 2020 में भारतीय एयरटेल एशिया का दूसरा सबसे मूल्यवान मोबाइल ऑपरेटर रहा है। इस लिस्ट में पहले नंबर पे रहा चीनी ऑपरेटर चाइना मोबाइल। एयरटेल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 41 अरब डॉलर है, जबकि जो चाइना मोबाइल है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 175 अरब डॉलर। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम बात करेंगे तो एयरटेल ग्लोबली पूरे विश्व में 11वें नंबर पे है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था द थिन माइंड मैप बुक नाम की पुस्तक का अभी विमोचन किया गया है, इसके लेखक कौन है? सही उत्तर था ऑप्शन बी, धर्मेंद्र रॉय। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और काफी अच्छा लगता है आप लोगों के आंसर को देखना, क्योंकि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऑप्शन को भी डिफाइन करने लगे हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चन से आप चार क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब आपको आंसर आते होंगे, यानी कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए,
ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है, तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है, यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे, तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्विज वीडियो पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।